अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आप सभी को पता होगा कि 2001 में एक प्रोग्राम लेकर आया गया, राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक NLCP प्रोग्राम लेकर आया गया, राइट? कौन सा प्रोग्राम? NLCP। क्या था ये? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइट? क्या था? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। ये प्रोग्राम लेकर आया गया 2001 में। किसके द्वारा लेकर आया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लेकर आया गया? तो वन और पर्यावरण संरक्षण जो सॉरी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया 2001 में। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में राज्य के साथ मिलकर झीलों का संरक्षण करना, राइट? ये प्रोग्राम लेकर आया गया 2001 में। 2009 में क्या कर दिया गया, 14 राज्यों में 58 झीलों के संरक्षण की योजना भी बना ली गई और ये 2009 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब आप लोग झीलों से रिलेटेड एक और पॉइंट जानते होंगे, रामसर कन्वेंशन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, राइट? रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा, ईरान के रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, राइट? 1971 में जब ये कन्वेंशन हुआ था, ईरान के रामसर नामक स्थान में हुआ था, इसी वजह से इसे रामसर कन्वेंशन का नाम भी दिया गया, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ था, आप सभी जानते होंगे कि वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, राइट? इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है ना? आप सभी लोग जानते होंगे आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है, राइट? अब बात ये आती है कि झीलों का संरक्षण करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि झीलें क्या है, झीलों के आसपास का जो एरिया है वहां पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना? तो जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है उससे क्या होता है, देश के विकास में भी काफी क्या होता है, सहयोग मिलता है, राइट? तो इसी वजह से क्या किया गया, NLCP प्रोग्राम लेकर आया गया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइट? ये प्रोग्राम लेकर आया गया वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2001 में लेकर आया गया। इसी के तहत क्या किया गया, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में क्या किया गया, झीलों का संरक्षण किया गया, किसके साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, ठीक है? तो वही आज होगा, हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे क्या सभी झीलों के बारे में। कैसे पढ़ेंगे, उत्तर से लेकर पूर्व, उत्तर से जाएंगे हम लोग पूर्व की तरफ, फिर दक्षिण की और से फिर पश्चिम की, सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे, राइट? और यहाँ पर मेरा पॉइंट ये रहेगा, मैं आपको बताने की ये कोशिश ज्यादा करूंगी कि जहां से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में बन चुके हैं, राइट, उन झीलों के बारे में ज्यादा फोकस रहेगा जहां से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, राइट? हाँ जी, आप सभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आलोक कह रहे हैं 75 रामसर साइट्स हैं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 75 रामसर साइट्स तो हैं, उसमें से झीलें कितनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, या हम लोग जब कवर करेंगे, जब झीलों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी अवस्थिति भी देखेंगे कि कहाँ पर किस राज्य में अवस्थित है वो झील, और रामसर साइट में वो झील, उस झील का नाम है या नहीं, ये सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे, राइट? तो क्लास सेशन में बने रहेंगे आप लोग, क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, है ना, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इस क्लास का इंपॉर्टेंस समझ पाए, है ना? चलिए यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए पहले तो आप लोग, राइट? देखिए यहां पर क्या है, भारतीय झीलें, राइट? क्या कह रहा है कि देश की जो अधिकांश झीलें हैं कहां पर ज्यादा झीलें पाई जाती है उस पर बात कर रहे हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही इस सीमित है, ठीक है? यहां पर क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं, परंतु मैदानी भागों में इनकी कमी है, ठीक है? क्या बता रहा है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में ही सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है, अगर हम इंडिया को इस तरह से देखें, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, राइट? ये ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो उत्तर की बात हो रही है, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं, ये बात बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झीलों के प्रकार कितने हैं। आप सभी को पता होगा झीलें कई प्रकार से बनती हैं, है ना, ज्वालामुखी के द्वारा बनती है, ज्वालामुखी का उद्भव होता है उससे बनती है ना, विवर्तनिका झीलें होती है, लैगून या अनूप झीलें होती है ना, जो खारे पानी की झीलें होती है उन्हें लैगून झील कहते हैं, राइट। इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। वायु द्वारा निर्मित झीलें होती है, कृत्रिम झीलें होती हैं, जो मानव निर्मित होती हैं वो क्या कहलाती है, कृत्रिम झीलें कहलाती हैं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित और हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, राइट। ये सारे हैं झीलों के प्रकार। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने झीलों का प्रकार बता दिया, तो अब उसमें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कौन सी झील किसके अंडर आती है ना। तो पहला हमारा प्रकार कौन सा हो गया, पहला हो गया विवर्तनिका झीलें। विवर्तनिका झीलें जो है इनका निर्माण कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। इनका निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के एक बड़े भाग के धंसने या उठने के कारण, ठीक है। पृथ्वी का जो एक बड़ा हिस्सा होता है या तो वो धस जाता है या तो वो उठ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, विवर्तनिका झीलों का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई। इसका एक उदाहरण आप सभी को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की वूलर झील, है ना। आप सभी को पता होगा वूलर झील जो है वो क्या है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील भी है ना। वूलर झील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, मतलब सबसे बड़ी झील है ना। तो क्या है इसका उदाहरण, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की जो वूलर झील है ये किस प्रकार की झील है, मतलब झीलों के किस प्रकार को इंडिकेट करती है, आपको याद रखना है विवर्तनिका झील का उदाहरण है वूलर झील। और विवर्तनिका का मतलब क्या हुआ, विवर्तनिका झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी का जब कोई बड़ा टुकड़ा या तो धस जाता है या वो उठ जाता है तो क्या होता है, विवर्तनिका झीलों का निर्माण होता है, राइट। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने क्या कहा कि विवर्तनिका झील का उदाहरण है कौन सी झील, जम्मू कश्मीर की वूलर झील, राइट। ये किस नदी पर स्थित है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको स्टार बना के नोट डाउन कर लेना है कि जम्मू कश्मीर की जो विवर्तनिका झील है ये कौन सी नदी पर अवस्थित है, झेलम नदी पर अवस्थित है, ठीक है। झेलम नदी वहीं से पर अवस्थित है, ठीक है। आप वूलर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन कई बार बना होगा, आप सभी ने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीठे पानी की झील कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की वूलर झील, ठीक है। पहला पॉइंट क्या निकला, मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो गई, वूलर झील हो गई, कहां पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। और एक परियोजना का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, तुलबुल प्रोजेक्ट, राइट, तुलबुल प्रोजेक्ट है। इसके बारे में भी कई बार आपने सुना होगा, स्टार बना लेंगे कि तुलबुल परियोजना इसी पर अवस्थित है, कौन सी झील पर है भाई, वूलर झील, है ना, ठीक है। तुलबुल परियोजना इसी पर अवस्थित है, ये भी याद रखना है। अगर आपसे तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, ये किस राज्य में चलाई गई है, ये पूछा जाए, तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलबुल प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। गुड मॉर्निंग हर्ष, राइट। आगे देखिए, ये इस झील को, ये जो वूलर झील है, इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील, गोखुर क्या, गाय का जो खुर होता है, आप लोगों ने पैर देखा होगा गाय का, है ना, तो वो खुर इस तरह से बना होता है ना, कुछ इस तरह से बना तो नहीं पाऊंगी मैं, ऐसे करके कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है ना गाय का खुर, है ना, तो वो गाय का जो पैर होता है उसको खुर कहते हैं, राइट। तो गाय का जो खुर होता है उसकी आकृति का की ये झील है, इसी वजह से वूलर झील को गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी वह झील है जिसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वूलर झील, ठीक है। गाय के खुर की आकृति होने के कारण इस झील को गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए, आप सभी को पता होगा कि जो कुमाऊं हिमालय है, आप सभी जानते हैं ना, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ना,
वो कुमाऊ हिमालय का हिस्सा है, राइट। तो कुमाऊ हिमालय की में स्थित अनेक झीलें क्या है, विवर्तनिका झीलों का उदाहरण है। अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाए कि जो कुमाऊ हिमालय है, विवर्तनिका झीलों के सर्वाधिक उदाहरण आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कुमाऊ हिमालय का जो क्षेत्र है वहां से हमें विवर्तनिका झीलों के सर्वाधिक उदाहरण देखने को मिलते हैं। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए यहां पर जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, आप वहां देख पाएंगे कि एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ, एक एक पॉइंट, तो आप किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वुलर झील कौन सी नदी पर, झेलम नदी पर, है ना। तो आप तुलबुल परियोजना भी बता देंगे, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, क्या, झेलम नदी पर, है ना, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर तुलबुल प्रोजेक्ट है, राइट। ये क्लियर हो गया, पहली झील मैंने आपको बता दी, विवर्तनिका झील का उदाहरण वुलर झील। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा टाइप क्या आता है झीलों का, जो दूसरा टाइप है उस पर बात करते हैं, कौन सा है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, है ना। आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील, है ना, लोनार झील के नाम से फेमस है, लोनार झील महाराष्ट्र की है। और ये क्या है, ये भी रामसर साइट का हिस्सा, ये रामसर साइट का हिस्सा है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। लोनार झील जो महाराष्ट्र की है रामसर साइट का हिस्सा है, और ये क्या है, एक क्रेटर झील का उदाहरण है। आप सभी को पता होगा क्रेटर कैसे निर्मित होते हैं, जैसे क्या होता है जब उल्का पिंड आता है, गिरता है ना, तो वहां पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है ना। उल्का पिंड के गिरने से जहां गड्ढे का निर्माण हो जाता है वो क्या कहलाता, वहां पर जिस झील का निर्माण, उस गड्ढे में जिस झील का निर्माण हो जाता है वो कहलाती है क्रेटर झील, राइट। तो क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी हो गई झील आपकी, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील, राइट। लोनार झील, लोनार झील जो है वो किसका है, क्रेटर झील का उदाहरण है। क्या है भाई ये, कहां पर है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, राइट। सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलों का अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर क्रेटर झील पूछ ली जाए आप बता देंगे, महाराष्ट्र की जो झील है लोनार झील, यही क्या है, क्रेटर झील का उदाहरण है, राइट। आलोक मिश्रा, अच्छा आलोक परेशान मत होइए, परियोजना यहाँ पर नहीं डालूंगी, क्योंकि एक साथ ना बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, फिर क्या होता है मिसमैच हो जाता है, हम जब पढ़ते हैं तो क्या होती है चीजें फिर मिसमैच हो जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं कराऊंगी मैं, परियोजनाओं का एक अलग से पूरा क्लास लेकर आ जाऊंगी और सारी परियोजनाओं को एक ही दिन में कवर अप करा दूंगी, राइट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा टाइप, कौन सा, लैगून झीलें, है ना, लैगून या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनूप झीलें, ठीक है। लैगून या अनूप झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, आप सभी को पता होगा उड़ीसा के क्षेत्र में, है ना। उड़ीसा का कौन सा इलाका है, उड़ीसा के पुरी जिले में कौन सी झील है, एक चिल्का झील, और चिल्का झील के बारे में आपको पता होगा चिल्का झील भी रामसर साइट का हिस्सा है, राइट। उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है, राइट, और ये भी क्या है, रामसर साइट का एक हिस्सा है। विकास कुमार गुड मॉर्निंग, राइट। चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है और ये भी रामसर साइट का हिस्सा है, और ये एक लैगून या अनूप झील का उदाहरण है, है ना। आपसे पूछा जाए जो उड़ीसा की चिल्का झील है ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है, अगर आपसे टाइप पूछ लिया जाए, लेक का टाइप पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे, ये लैगून झील है, या लैगून को ही कहते हैं अनूप झील, राइट। लैगून झील का उदाहरण कौन सा हो गया, चिल्का झील, राइट। और ये उड़ीसा के पूर्वी तट पर अवस्थित है, ये पॉइंट भी क्लियर रखना है आपको, कौन से तट पर अवस्थित है, उड़ीसा के पूर्वी तट पर, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार जोर देती हूँ कि जब भी आप कोई भी लेक्चर यहाँ पर अटेंड करो, तो आप क्या किया करो, जाकर घर में प्रीवियस ईयर, घर में तो आप लोग होते ही हैं, है ना, मैं ही आती हूँ यहाँ पर आप लोग को क्लास देने के लिए, तो आप लोग क्या किया करें, जैसे आप लेक्चर अटेंड कर लिया करें तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर
को जरूर सॉल्व किया करें। उससे क्या होगा, आप लोग एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मुझे, फिर उसके बाद आप अपने नोट्स भी बना रहे हो, उसके बाद क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो तो वो एक भी डाउट नहीं रह जाता है, सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, यही तरीका होता है किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लेने का, है ना। तो क्या है, कौन से तट पर अवस्थित है, याद रखेंगे पूर्वी तट पर अवस्थित है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और देखेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मैंने आपको बता दी, है ना, कौन सी थी, वुलर झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला कौन सा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील है, कहां पर अवस्थित है, ओडिशा में अवस्थित है, राइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, खारे पानी की लैगून झील है ना, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है और लंबाई कितनी है, 65 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, राइट। सारे पॉइंट देखते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है कौन सी, पुलिकट झील, आप सभी को पता होगा पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा है कौन सी, पुलिकट झील। कई जगह सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में दिया होता है, कई जगह तमिलनाडु भी दिया होता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा है, राइट, कौन सी झील, पुलिकट झील, ठीक है। नेक्स्ट झील है अष्टमुडी झील, राइट, अष्टमुडी झील किसका हिस्सा है, केरल का हिस्सा है अष्टमुडी झील। और आपको ये भी पता होगा कि पुलिकट झील और अष्टमुडी झील ये दोनों क्या है, रामसर साइट का भी हिस्सा है ना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और कौन सी झील, अष्टमुडी झील केरल, ये भी क्या है, रामसर साइट्स में शामिल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोलेरू झील जो है कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, ये भी क्या है, रामसर साइट का हिस्सा है, ठीक है। अष्टमुडी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ठीक है, ये सभी क्या है, इसका हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी झील, सांभर झील कहाँ की, राजस्थान की, है ना। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, राइट, आईएएस का एग्जाम था 2002 का, यहाँ पर सांभर झील से एक क्वेश्चन बना था, कौन सा क्वेश्चन बना था, आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्या था, सांभर झील अवस्थित ही तो आप सभी जानते हैं कहां पर अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है, लेकिन ये झील कैसी है, ये इनलैंड झील है, राइट, अंतः स्थलीय झील है, ठीक है। कैसी झील है, इनलैंड झील है, मतलब ये किसी भी सागर में या किसी भी नदी में जाकर नहीं मिलती है, राइट। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थली यानी कि इनलैंड झील है, इनलैंड झील है, ये पॉइंट क्लियर रखना है आपको, ठीक है। आईएएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, ठीक है। तो सांभर झील है कहाँ की, राजस्थान की, और ये क्या है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थली यानी कि इनलैंड झील है, राइट। एक नोट है जहां से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अगर मैंने कोई नोट डाल दिया तो इसका मतलब है या ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओडिशा तट को आप सभी जानते होंगे किस तट के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है ना, ओडिशा तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MPPCS 2014 में, राइट, MPPCS का एग्जाम 2014 में कंडक्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तरी सरकार को ओडिशा का जो तट है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। सत्यवीर कह रहे हैं मैम ये लेक मैप में दिखा दें तो फिर और भी अच्छा होगा, बिल्कुल दिखाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए उसके बाद सारी लेक्स को मैं मैप में भी दिखा दूंगी, आप उसकी चिंता ना करें, राइट, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये काम मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल के जो लैगून झीलें हैं, ठीक है, केरल की जो लैगून झीलें हैं इन्हें कियाल के नाम से भी जाना जाता है, क्रियाल नहीं है, ठीक है, कियाल है, ठीक है। केरल की जो लैगून झीलें हैं उन्हें कियाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, इसमें भी स्टार बना लेंगे, कब पूछा गया, MPPCS 2017 में भी पूछा गया है और ये UPPCS एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कियाल क्या होता है, राइट,
क्या पूछा गया है? पूछा गया कियाल क्या होता है। तो आपको याद रखना है जो केरल की जो खारे पानी की झीलें हैं, है ना, केरल की जो खारे पानी की झीलें हैं यानी कि जो लैगून झीलें हैं, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? कियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर रहेगा। कियाल किसको कहते हैं? आप याद रखेंगे केरल की खारे पानी की या जो लैगून झीलें हैं उन्हीं को कियाल के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए, राइट। आप कोई प्रॉब्लम होगी याद करने में? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सांभर लेक जो है ये भी क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है? रामसर साइट का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है? हिमानी यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ, है ना। तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलों के बारे में आ रहा है। अब हिमानी आ गया तो आपको पता ही होगा बर्फ कौन से क्षेत्र में ज्यादा? उत्तराखंड वाला एरिया, है ना, वहां पर क्या है? बर्फीला बर्फीला रहता है। तो कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें किस प्रकार की हैं? तो आपको याद रखना है हिमानी प्रकार की हैं। और आप सभी को पता है उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड को हम यूके भी कहते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यूके भी कहते हैं, राइट, राधे राधे सुमित जी। ठीक है, तो यूके भी कहते हैं। तो यूके में कौन कौन सी झीलें हैं जरा देख लेंगे। राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, ये सभी कहाँ की है? उत्तराखंड की है, आप लोग याद रखेंगे। खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल और रूपकुंड। रूपकुंड जो है ये, ठीक है, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। और रूपकुंड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी झील है, ठीक है, कौन सी झील है जिसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी वह झील है जिसे रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड याद रखेंगे आप लोग, राइट, रूपकुंड झील जो है ये किस नाम से भी जानी जाती है? रहस्यमयी झील के नाम से भी जानी जाती है, राइट, रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है रूपकुंड झील। और ये क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे कब पूछा गया? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस यूपी पीसीएस मेंस 2015 का ये क्वेश्चन है कि कौन सी वह झील है जिसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है, राइट। हाँ जी हाँ जी, जितनी भी ताल वाली झीलें हैं ना, जैसे क्या होता है, एक आपको बता देती हूँ ट्रिक क्या है, जितनी भी क्या है नाग, अगर नाग या नागिन से जो भी झील आपसे पूछी जाए, नाग नागिन शब्द आ जाए उसमें, है ना, बेरी नाग, अनंत नाग, ठीक है, इस टाइप से जितनी भी झीलें आ जाएंगी वो नाग नागिन आ जाए तो आपको बता देना है जम्मू कश्मीर, राइट। और क्या है, जितने भी ताल आ जाए, ताल जहां पर राक्कस ताल, भीम ताल, सात ताल, नैनीताल, ये सभी क्या है? उत्तराखंड, ठीक है, आपको याद रखना है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए तालों का शहर किसे कहा जाता है या झीलों के शहर के नाम से भी किसे जाना जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश को झीलों का शहर भी कहा जाता है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कौन सा किसका हिस्सा हो गई? कुमायूं हिमालय का हिस्सा हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़े, अभी बता देंगे, अभी सारी चीजें क्लियर कर देंगे, परेशान मत होइए। नेक्स्ट देखिए, वायु द्वारा निर्मित झीलें, राइट, वायु द्वारा निर्मित झील पूछी जा रही है आपसे। आपको याद रखना है राजस्थान की जो सांभर लेक है ये वायु द्वारा निर्मित झील है। नेक्स्ट, डीडवाना कुचामन झील जो है ये भी क्या है? वायु द्वारा निर्मित है। सुरगोल झील, खाटू झील, आप लोग परेशान मत होइए, ये मेरा काम है, कौन सी झील कहाँ पर है, अभी एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। यहाँ पर तो मैं उदाहरण दे रही हूँ कि ये जो टाइप है, जैसे हिमानी टाइप की झीलें हैं तो ये कहाँ पर है, अभी उन सब के बारे में एक एक झील को बड़े अच्छे से विस्तार से समझाऊंगी, परेशान नहीं होना है, राइट। एमसीक्यू भी कराना मैम, बिल्कुल करा दूंगी, परेशान मत होइए आप लोग, राइट। हम लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है, अभी एक बार मैं सर से और चर्चा कर लूंगी इस बात पे कि मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडे और संडे का जो भी दिन रहा करेगा, इन दोनों दिन मैं क्या किया करूंगी, आपके साथ
प्रैक्टिस सेशन लेकर आया करूंगी। उसमें क्या है, जितना भी एक हफ्ते के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चीजें, उसमें मैं क्या क्या करूंगी, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे या फिर वो पूरी तरह से प्रैक्टिस सेशन रहा करेगा। जितने पॉइंट बता दिया करूंगी यहाँ पर, उसी को एक दो दिन लगातार आपकी प्रैक्टिस करा दिया करूंगी, जिससे क्या होगा, आपका बढ़िया सा रिविजन हो जाया करेगा। राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शशि भूषण कुमार, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वायु द्वारा निर्मित झीलें, मैंने आपको बता दी लून करंसर झील, ये सब क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। आप लोग देखेंगे आईएएस का एग्जाम हुआ था 2021 का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, वायु द्वारा निर्मित झीलों के बारे में यहाँ आईएएस 2021 का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है ठीक है। ये लवणीय झीलें हैं, लवण का मतलब क्या होती है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। ये सभी क्या है, लवणीय झीलें हैं, इनमें क्या होता है, नमक उत्पादन भी किया जाता है ना। लवण का मतलब ही है खारी, है ना। अब इसमें क्या सोचने वाली बात थी, राइट, ये लवणीय झीलें हैं और यहाँ पर क्या होता है, नमक का उत्पादन भी किया जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम झीलें, लास्ट टाइप शायद है ये, ठीक है, कृत्रिम झीलें। अब यहाँ पर देखिए जरा, कृत्रिम झील का मतलब क्या है, कृत्रिम का मतलब हो गया बनाया गया, है ना, उसको वो है नहीं, वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, उसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो मानव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो मानव निर्मित झीलें जो होती हैं वही क्या कहलाती है, कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। राइट, मानव निर्मित झीलें कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। अब यहां पर देखिए, और ये मानव निर्मित झीलों का क्यों किया जाता है भाई, इनका निर्माण किया क्यों जाता है, ये भी तो जरूरी है भाई, क्योंकि जो डैम वगैरह होते हैं, जहां बांध होते हैं, है ना, जहां पर मरुभूमि होती है, यानी कि जहां पर पानी की कमी होती है ना, जैसे राजस्थान वगैरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, अथवा मैदानों में पेयजल उपलब्धता के लिए क्या किया जाता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है। किसके लिए, ताकि पीने योग्य पानी हमें मिल सके, इसलिए क्या किया जाता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। राइट, हाँ जी, आगे बढ़े। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका उदाहरण कौन सी झीलें हैं, तो आपको पता होगा उकाई झील, उकाई झील के नाम से जानते होंगे, उकाई परियोजना भी चलाई गई है ना, कहाँ पर चलाई गई है, आपको पता ही होगा ये कहाँ है, उकाई झील गुजरात के क्षेत्र में है ना, गुजरात की झील है, कौन सी, उकाई झील, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। राइट, उकाई झील हो गई, गोविंद सागर झील हो गई, पेरियार झील, ये कहाँ की है भाई, आप सभी जानते होंगे, पेरियार के नाम से ही याद आ गया होगा आपको, है ना, पेरियार नदी कहाँ की है, केरल की है ना, केरल की कौन सी नदी है, पेरियार नदी, ठीक है। पुष्कर झील कहाँ की है, राजस्थान की है, आप सभी जानते होंगे, है ना, पुष्कर झील हो गई। उस्मान सागर, हुसैन सागर, कोडाई कनाल झील, है ना, ये कोडाई कनाल कहाँ की है, तमिलनाडु की, आदि, ये सभी क्या है, कृत्रिम झीलें हैं। इन सभी का क्या हुआ, निर्माण किया गया है, किसके द्वारा, मानव के द्वारा। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए भाई। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको क्लास सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया करके आप लोग क्लास को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना, आपका यही प्यार होगा, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, है ना, यही तो मोटिवेशन होगा। जब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, बच्चे क्या, आप लोग फ्रेंड्स हैं हमारे, है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर होंगे, मेरे सामने बैठे होंगे, तो फिर मुझे पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, फीलिंग बेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर। कृत्रिम झीलें की बात कर ली हमने, अब देख लेते हैं कुछ अन्य झीलें जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में आप देख पाएंगे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए आप जरा, ठीक है। अन्य प्रमुख झीलें हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि उकाई झील है, कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में, ठीक है। उकाई झील कहाँ पर है, गुजरात में है। अब इसके इसके बारे में भी जरा आप लोग जान लेंगे कि कौन सी नदी पर है उकाई झील, आपको पता होना चाहिए, ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है, कौन सी झील है, उकाई झील, है ना। अवस्थिति कहाँ है, गुजरात में अवस्थिति है उकाई झील की, ताप्ती नदी पर स्थित है मानव निर्मित झील उकाई झील। ताप्ती नदी आपको पता ही होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा बैतूल जिला मध्य प्रदेश, है ना। ताप्ती का अगर आपसे उद्गम की बात की जाए कि उद्गम कहाँ से है, आप सभी जानते होंगे बैतूल जिला
बैतूल जिला है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, है ना। यहाँ से क्या होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है, राइट। और ताप्ती नदी किसका उदाहरण है, ताप्ती नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है या एशरी का निर्माण करती है। एशरी का मतलब ज्वार नद मुख, राइट। सॉरी, ठीक है। तो ताप्ती नदी अगर आपसे पूछी जाए किसका निर्माण करती है, तो आपको पता है एश्वरी का निर्माण करती है, राइट। किसका निर्माण करती है, एश्वरी का निर्माण करती है। एश्वरी को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, ज्वार नद मुख, राइट। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, राइट, याद रहेगा अब, ठीक है। ये क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, जैसे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है ना, तो ये सब क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, राइट। पूर्व की ओर ना बहकर पश्चिम की ओर बहती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आगे देख लीजिए जरा क्या कह रहा है, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर और गांधी सागर झीलें मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, ठीक है। इसको देखिए बताने का तरीका थोड़ा मैं अलग करना चाहती थी, लेकिन टाइपिस ने उस वे में नहीं इसको किया। चलिए मैं यहां बता देती हूँ, मध्य प्रदेश की झीलें आपको कैसे याद रखनी, आप ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश बीच में लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, ठीक है, गांधी सागर झील, गांधी सागर और कौन सी, जवाहर सागर। ये तीनों झीलें कहां पर हो जाएंगी, ये तीनों झीलें हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर, यह भी याद रखना है आपको, चंबल नदी, राइट। चंबल नदी का हिस्सा है ये, कौन सी नदियां, कौन सी झीलें, राणा प्रताप सागर झील, गांधी सागर झील और जवाहर सागर झील, ठीक है। आप इतनी बातें क्लियर हो गई, चले आगे बढ़े, यहां तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है ना, यमुना की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, चंबल नदी। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है गोविंद सागर झील, आप सभी को पता होगा गोविंद सागर झील कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है कौन सी झील, गोविंद सागर झील, और ये कैसी झील है, ये भी कृत्रिम झील का उदाहरण है ना, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश कौन सी झील का उदाहरण है, तो कृत्रिम झील का उदाहरण है भाई, ठीक है। गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और भाखड़ा बांध जो आपको पता है कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर, उसके ठीक पीछे इस झील का निर्माण किया गया, ठीक है। भाखड़ा बांध के पीछे बनी ये विशाल झील है, भाखड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर है, आपको पता है सतलुज नदी या सतलज नदी, जो भी कहना चाहे, ठीक है। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है भाई, सतलुज या सतलज नदी पर है, राइट। हाँ हाँ वही राजस्थान एमपी का ही क्षेत्र है, ठीक है संदीप, संदीप कुमार राजस्थान एमपी का ही क्षेत्र है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो आप संदीप कुमार जी, क्या कहना चाहते हो आप, मैं समझ नहीं पाई। चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेरियार झील, ठीक है। पेरियार झील कहां पर अवस्थित है, आप लोग याद रखेंगे पेरियार नदी से इसकी जलापूर्ति होती है, कहां पर स्थित है, मैं पहले ही बता चुकी हूं केरल में अवस्थित है, ठीक है। पेरियार झील
पेरियार झील जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है, और क्या है, पेरियार नदी से ही इसकी जलापूर्ति होती है, राइट। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। और ये भी क्या है, कृत्रिम झील का उदाहरण है। कौन सी नदी? पेरियार नदी। पेरियार झील जो है कैसी झील का उदाहरण? कृत्रिम झील का उदाहरण। कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? मानव निर्मित झील है, ठीक है। इस झील से क्या होती है, वैगई नदी को जल प्राप्त होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैगई नदी को जल प्राप्त होता है। कौन सी? कृत्रिम। इस झील से वैगई नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सी झील से? पेरियार झील से। याद रखेंगे कहां पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। वैगई नदी को इसी झील से जल प्राप्त होता है, और ये कैसी है? एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां से सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट झील है नागार्जुन सागर झील, ठीक है। नागार्जुन सागर झील कहां पर है? चलिए, नागार्जुन सागर झील देखेंगे कहां पर है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। मैं उसको अभी देख लेती हूँ। संदीप आप परेशान मत होइए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ उसे, ठीक है। मैं अभी सारी चीजों को क्लियर कर दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। हो सकता है मुझसे ही कुछ गलती हो गई हो, ठीक है। संदीप उसे टेंशन लीजिए मत, मैं अभी उसको चेक कर लूंगी, उसको करेक्ट भी कर लूंगी, राइट। तो नागार्जुन सागर झील जो है कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? मैंने आपको एक बार, जब मैं आपको नदियों में, आपको पता होगा कि जो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी भाई? बताया था कृष्ण और अर्जुन से आपको याद रखना है, कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। कृष्ण और अर्जुन से आप याद रखेंगे कौन सी नदी कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर झील, दोनों क्या बताएंगे आप? अगर आपसे पूछ ले नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर झील, कुछ भी पूछ लिया जाए, आप याद रखेंगे अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी थी ना। तो अगर आपसे नदी पूछ ली जाए, ठीक है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है ये, तो आप याद रखेंगे कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी थी ना, आप उससे ही याद रखेंगे, नागार्जुन सागर बांध, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, नागार्जुन सागर झील बता दिया मैंने, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे निजाम सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? आपको याद रखना है ये झील भी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन अब आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या, कि अगर निजाम सागर झील की बात हो रही है, तो निजाम सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में अब ना कहकर अब हम इसे याद रखेंगे, क्या, क्योंकि आप सभी को पता है 2014 में क्या हुआ था, तेलंगाना अलग हो गया है ना, तो तेलंगाना अलग राज्य बन गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, ठीक है, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हो तब तो आप आंध्र प्रदेश लगा देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए निजाम सागर वर्तमान स्थिति कहां पर है, निजाम सागर झील की वर्तमान अवस्थिति अगर आपसे पूछ ली जाए, तो आप बताएंगे कहां पर अवस्थित है निजाम सागर झील वर्तमान में? तेलंगाना राज्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश ना कहकर आप कहेंगे तेलंगाना, राइट। यहां पर आंध्र प्रदेश इसलिए लिख दिया गया था कि कई जगह क्या होता है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया होता है, तो वो आपको ये पॉइंट क्लियर रखेंगे कि तेलंगाना का गठन कब हो गया था। आप सभी जानते ही होंगे 2 जून 2014, है ना, 2 जून 2014 को क्या हो गया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था, कौन सा? तेलंगाना, राइट। ये कौन सी नदी पर है? यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मंजरा नदी पर अवस्थित है। और आप सभी जानते होंगे मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप सभी को इसका आंसर मुझे बताना है, जल्दी से बताएंगे। मंजरा नदी, मैं ही बता देती हूँ, गोदावरी की सहायक नदी है, राइट। गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी? मंजरा नदी, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा नदी। उसी पर अवस्थित है कौन सा सागर, कौन सा झील, कौन सी झील? निजाम सागर झील। बात क्लियर हो गई, निजाम सागर झील वर्तमान अवस्थिति तेलंगाना, या फिर अगर वैसे ऑप्शन दे दे तो आप आंध्र प्रदेश लगा दीजिए, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में हो तो, ठीक है। मंजरा नदी किसकी सहायक है? मंजरी भी कहते हैं इसको कई बार, मंजरा भी कहते हैं, राइट। गोदावरी की सहायक नदी है, राइट। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास झील? तुंगभद्रा झील है ना। तुंगभद्रा तो आपको पता ही होगा, तुंगभद्रा नदी बहती है कहां पर? कर्नाटका में, है ना।
तुंगभद्रा झील की अवस्थिति क्या हो जाएगी? कर्नाटक में अवस्थित है तुंगभद्रा झील, ठीक है। तुंगभद्रा झील की अवस्थिति कहाँ है? कर्नाटक में है। आप सभी को पता ही होगा कि तुंगभद्रा नदी पर निर्मित यह मानव निर्मित झील है, ठीक है। मानव निर्मित का मतलब क्या हो गया इसका अर्थ? कृत्रिम झील का उदाहरण है, ठीक है। कृत्रिम झील का उदाहरण है कौन सी झील? तो आपका राइट आंसर हो गया तुंगभद्रा झील। कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। कृत्रिम झील का उदाहरण है, किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट झील है हमारे पास गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आप सभी को पता होगा रिहंद नदी पर अवस्थित है ना, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश। पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ का कुछ कुछ एरिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये किसकी सहायक नदी? सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनी हुई। देखिए क्वेश्चन दोनों तरह से पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है रिहंद नदी पर है। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि कौन सी रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। बात क्लियर हो गई, सोन की सहायक नदी है कौन सी? सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील का उदाहरण है, राइट। कौन सी झील है? ये भी एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, राइट। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए स्टेनले जलाशय। आप सभी जानते होंगे स्टेनले जलाशय कहां पर? तमिलनाडु, ठीक है। स्टेनले जलाशय झील कहते हैं इसी को, कहां पर? तमिलनाडु पे। कौन सी नदी पर? आपको याद रखना है कावेरी नदी, है ना। अगर आपसे कावेरी नदी बोल दिया गया, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कावेरी नदी का उद्गम कहां है, है ना, कावेरी नदी का उद्गम कहां है, तो आपको क्या याद रखना है? कावेरी नदी का उद्गम कहां से है भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, है ना। कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहां पर है भाई? कुर्ग जिला, है ना। कुर्ग जिला कहाँ का है ये भी याद रखना है आपको। कुर्ग जिला है कहाँ का भाई? कर्नाटका का, है ना। कुर्ग जिला कर्नाटक से क्या है? कौन सी नदी का उद्गम है? कावेरी नदी का उद्गम है, राइट। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैटूर बांध जो है कहां पर अवस्थित है? आपको याद रखना है मैटूर बांध कर्नाटका में अवस्थित है। किस नदी पर बनाया गया बांध है? ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे, कावेरी नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। मैटूर बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्नाटक में है, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। मैटूर बांध कर्नाटक कावेरी नदी पर ही बनाया हुआ ये बांध है। मैटूर के पीछे, ठीक है, मैटूर के पीछे बनी झील है ये मैटूर बांध तमिलनाडु, ठीक है। मैटूर बांध क्या? तमिलनाडु। बात क्लियर हो गई, तमिलनाडु में कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, बहुत बढ़िया अतुल, ठीक है। मैटूर बांध तमिलनाडु कावेरी नदी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, राइट। इतनी बातें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा मैटूर बांध कर्नाटका में ही है, तमिलनाडु या कर्नाटका इनमें से कुछ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैटूर बांध कर्नाटका, कावेरी नदी कर्नाटक, कर्नाटक ही है मे बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर अवस्थित? मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या बताया? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है कौन सी झील? पुलिकट झील। इसका क्या है 84%, पुलिकट झील का 84% क्या है? कर्नाटका को में है, और क्या है 14% कहाँ पर है? तमिलनाडु, ठीक है। 84% और सॉरी 16% की का क्षेत्र कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में आता है, ठीक है। कौन सी झील? पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऐसे याद रखेंगे, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, राइट। हाँ जी, राइट। इसकी क्या है 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई ये लैगून झील है। लैगून का मतलब क्या? खारे पानी की झील, है ना। पुलिकट झील किसका उदाहरण है? खारे पानी की झील का उदाहरण है, राइट।
खारे पानी की झील का उदाहरण है कौन सी झील, पुलिकट झील। बात क्लियर हो गई। देखेंगे एक पॉइंट आपने और देखा होगा, श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में सभी ने सुना ही होगा, इसे सागर से अलग करता है, किसे अलग करता है, कौन से, किसको, पुलिकट झील को, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है, कौन सा, श्री हरिकोटा, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, वहां से ही क्या होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है ना। तो श्री हरिकोटा द्वीप इसे सागर से अलग करता है, किसे अलग करता है, पुलिकट झील को। बात क्लियर हो गई। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील को सागर से अलग करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलिकट झील को सागर से अलग करता है। अगर आपसे अवस्थिति के बारे में पूछ ले कि पुलिकट झील अवस्थित कहां पर है, आप बताएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र में ये पुलिकट झील फैली हुई है। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और देख लीजिए, झील में गिरने, इस झील में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में भी कई बार पूछा गया है, कौन कौन सी नदियां हैं, अरणी, कलंगी और स्वर्णमुखी, ठीक है। अरणी, कलंगी और स्वर्णमुखी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसी झील में गिरती हैं जाकर। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट और देखेंगे, अभी मैंने आपको बता ही दिया श्री हरिकोटा द्वीप पर ही कौन सा प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, आपको याद रखना है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, है ना, कौन सा प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है कौन से द्वीप पर, श्री हरिकोटा द्वीप पर, ठीक है। और एक पॉइंट और पुलिकट झील में इंपॉर्टेंट है, इस झील के पश्चिमी हिस्से में ही बकिंघम नगर स्थित है, ठीक है। इसी झील के पश्चिमी हिस्से में कौन सा नगर स्थित है, बकिंघम नगर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें भी आप स्टार बना लेंगे। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए, बताइए फटाफट यस और नो में, जल्दी से बताइए सारे पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लोकटक झील। आप सभी इसके बारे में बहुत जानते होंगे, बड़े अच्छे से जानते होंगे, लोकटक झील पर कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। मणिपुर में अवस्थित है और इसी लोकटक झील पर क्या है, एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है, कौन सा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, है ना, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है हमारे पास, कौन सा, केबुल लामजाओ या किबुल लामजाओ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लोकटक झील कहाँ पर अवस्थित है, आप क्या बताएंगे, लोकटक झील की अवस्थिति क्या है, मणिपुर में है, राइट। बात क्लियर हो गई, लोकटक झील कहाँ अवस्थित है, मणिपुर में अवस्थित है, और ये क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की, चाहे तो हम उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा कह लें इसको, ठीक है, इस तरह से उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा या पूर्वोत्तर का हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लोकटक झील क्या है, मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत या फिर अगर पूर्वोत्तर ना देकर लिख दे उत्तर पूर्वी भारत, है ना, या उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, है ना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, है ना, मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो आपको क्या याद रखना है, कौन सी झील हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। बात क्लियर हो गई, कौन सी झील, लोकटक झील, कहां पर अवस्थित है, मणिपुर, है ना, कहां पर, मणिपुर में, राइट। लोकटक झील कहाँ हो गई, मणिपुर में हो गई, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है, क्योंकि इस झील पर क्या है, उत्पादकता और जैव विविधता काफी ज्यादा है, इसी वजह से क्या है, इसे मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मणिपुर की जीवन रेखा किस नदी को, किस झील को कहा जाता है, आपको याद रखना है मणिपुर की जीवन रेखा है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा, ठीक है, मणिपुर की जीवन रेखा। बात क्लियर हो गई,
ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर रखने हैं, ठीक है। किस लिए कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा, तो मैंने बता दिया, क्योंकि इस झील से क्या है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी काफी मात्रा में होती है, और क्या है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी काफी हद तक, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में है यहाँ पर, इसी वजह से इसे जीवन रेखा कहा जाता है। आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कौन सी झील है जिसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको याद रखना है लोकटक झील। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वेम्बनाद झील। देखिए एक भी झील मैंने यहाँ पर छोड़ी नहीं है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओएआरओ हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक झील को मैंने डिफाइन किया है, किसी भी झील को नहीं छोड़ा है, मतलब जहां से क्वेश्चन बन सकता है कोई भी झील ऐसी नहीं है जहां पर मैंने, जो मैंने यहां पर बताने की कोशिश ना की है, राइट। देखिए जरा कौन सी है वेम्बनाद झील, कहां पर अवस्थित है केरल में, ठीक है। वेम्बनाद झील कहां पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है, यहीं पर क्या है वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वेलिंगटन द्वीप कहां पर अवस्थित है, आपको याद रखना है केरल में अवस्थित है वेलिंगटन द्वीप, राइट। कौन सी झील वेम्बनाद झील, ठीक है। वेम्बनाद झील पर ही क्या होता है, यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, कि आपने केरल के बारे में देखा होगा मूवीज में कई बार वो नौकायन प्रतियोगिताएं दिखाते हैं ना, तो वो कौन सी झील पर ही होती है, वेम्बनाद झील पर ही होती है नौकायन प्रतियोगिताएं। बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह भारत की सबसे लंबी झील है, यह भारत की सबसे लंबी झील है, कौन सी सबसे लंबी झील है। मैंने अभी आपको मीठे पानी की भी बताई सबसे बड़ी झील, ठीक है। मैंने आपको कौन सी झील है जो लैगून झील है या अनूप झील का उदाहरण है वो भी बता दिया, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील भी बता दी। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना, यह भारत की कौन सी, भारत की वेम्बनाद झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है, 96.5 किलोमीटर लंबी है, राइट। हाँ जी हाँ जी, ओणम फेस्टिवल है ना, ओणम फेस्टिवल, बढ़िया बढ़िया, गुड। किसने बताया है, आलोक मिश्रा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहीं पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर नौकायन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। यह भारत की सबसे लंबी झील है, कितनी है, कितनी लंबाई है, 96.5 किलोमीटर की लंबाई है। यह केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एनारकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो पुलिकट झील है, सॉरी वेम्बनाद झील जो है, वेम्बनाद झील केरल के कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती है, तो आपको याद रखना है कोट्टायम, अलपुझा और एनारकुलम जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। तीन जिलों की सीमा को स्पर्श करती है वेम्बनाद झील, कौन कौन से, कोट्टायम, अलपुझा और एनारकुलम, राइट। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और याद रखना है कि पेम्बा और पेरियार नदी इस झील में गिरती हैं, कौन सी झील में, वेम्बनाद झील में, वेम्बनाद झील में कौन सी नदियां गिरती हैं, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि पेम्बा और पेरियार नदियां जो हैं वो वेम्बनाद झील में ही जाकर गिरती हैं। बात क्लियर हो गई। पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक है। इसी इसका जो पूर्वी तट है, कौन सी झील, वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील का जो पूर्वी तट है वहां पर कौन सा अभयारण्य स्थित है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कुमार कोम पक्षी अभयारण्य। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कुमार कोम पक्षी अभयारण्य अवस्थित कहाँ है, आपको बताना है कहाँ पर हो जाएगा, केरल, ठीक है। कुमार कोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। कौन सी झील के पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो आप बताएंगे वेम्बनाद झील के पूर्वी तट पर अवस्थित है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए वेम्बनाद झील के उत्तरी तट पर क्या है भाई, कोची बंदरगाह स्थित है, ठीक है। वेम्बनाद झील के ही उत्तरी तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कोची बंदरगाह जो है वो वेम्बनाद झील के उत्तरी तट पर अवस्थित है। बात क्लियर हो गई। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी दिशाओं का ज्ञान तो आप सभी को है ही, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट और है, स्टार बना लेंगे इस पर, NH47A
जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, NH 966, है ना, 966, ऐसे याद कर लीजिए। पहले जिसे हम NH47A कहते थे उसे अब हम NH966B के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं, NH966B कहते हैं। और वेलिंगटन द्वीप जो है इसी पर अवस्थित है। कौन से एनएच पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई, कौन सा है, नेशनल हाईवे NH 966B, राइट, 966B। अब पहले क्या कहते थे इसको, NH 47A कहते थे, अब NH 966B के नाम से इसे जाना जाता है। इसी पर क्या है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप अब आप याद रखेंगे कहां पर है भाई, आपको याद रखना है केरल में है वेलिंगटन द्वीप, राइट। पॉइंट क्लियर हो गए विम्बनाद झील से। यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन अगर बनेगा कहीं से भी आएगा, बस यही इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कोई पॉइंट जाएगा नहीं, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर की झीलें। मैंने आपको बताया अगर जम्मू कश्मीर का नाम आ जाए और कहीं पर भी दिया हो, क्या दिया हो, नाग या नागिन से रिलेटेड कुछ भी, है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बता देंगे। आपको याद रखना है कि अगर जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो आप याद रखेंगे नाग और नागिन को, राइट। थोड़ा सा गर्मी हो रही है ज्यादा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए नाग और नागिन दे दिया जाए, है ना, जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसा है आप सभी जानते हैं, बड़ा ही खतरनाक है ना, जितना वो खूबसूरत है वहां पर उतना ही क्या है, वादियों में युद्ध, धर्म युद्ध छिड़ा रहता है ना, ये कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए तो आपको क्या याद रखना है, नाग नागिन कहीं पर भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, नाग या नागिन, ठीक है। तो क्या शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, डल झील, मानसबल झील, बेरी नाग झील, नागिन झील, सभी झीलें कहां पर अवस्थित हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी झीलें कहां पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, राइट। वूलर झील क्या है, मीठे पानी की, है ना, मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राइट। डल झील आपको पता ही है कहां पर है, श्रीनगर, है ना, डल झील कहां पर है, श्रीनगर, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है, राइट। डल झील कहां पर, श्रीनगर, राइट। ये सब कहां आपकी हो गई, जम्मू कश्मीर की हो गई। आगे बढ़े, एक झील और है अंचार झील, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन सी झील है, अंचर झील या अंचार झील, कुछ भी कह लें आप, ठीक है। ये भी कहां पर है, ये भी है जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है कौन सी, हुसैन सागर झील, ठीक है, कौन सी झील, हुसैन सागर झील, याद रखना है कहां पर अवस्थित है हुसैन सागर झील, आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में अवस्थित है हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर झील कहां, तेलंगाना, ठीक है। दो नगरों के मध्य में स्थित है हुसैन सागर झील, कौन से दो नगर है, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। हुसैन सागर झील की अगर बात करेगा कि कौन से दो नगरों के मध्य में अवस्थित है हुसैन सागर झील, आपको याद रखना है एक तो हो गया हैदराबाद, एक हो गया सिकंदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है कौन सी झील, हुसैन सागर झील, कहां पर है, तेलंगाना में है, राइट। और कौन सी नदी पर है, मूसी नदी का जल यहां पर क्या है, गिरता है, ठीक है। याद रखना है आपको किस नदी का जल आकर हुसैन सागर झील में गिरता है, आपको याद रखना है मूसी नदी का जल किस नदी पे कहां पर गिरता है, हुसैन सागर झील में आकर गिरता है। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखिए आ गया ना रूपकुंड झील, कहां पर है भाई, उत्तराखंड, ठीक है। बात क्लियर हो गई, रूपकुंड झील कहां, उत्तराखंड, कौन सा जिला, चमोली जिला, है ना, चिमोली नहीं है, चमोली जिला, राइट। उत्तराखंड का कौन सा जिला, चमोली जिला, कौन सी झील, रूपकुंड झील, ठीक है। रूपकुंड झील, इसके बारे में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रूपकुंड झील को ही रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक नाम और दिया गया है, क्या, मानव कंकाल झील, ठीक है, क्या, मानव कंकाल झील भी कहते हैं, ठीक है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका IAS में पूछा गया क्वेश्चन है,
ठीक है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। इसी के किनारे क्या हुआ था, सैकड़ों मानव कंकाल मिले थे, इसी वजह से अब वो मिले कैसे, उसका कोई रहस्य उजागर नहीं हो पाया, इसी वजह से क्या है, इसको कहते हैं रहस्यमय झील, है ना। आप सभी को पता ही होगा उत्तराखंड में है रूपकुंड झील। आगे बढ़े, 1942 में क्या हुआ था, एक रेंजर थे एच के माधवन, ठीक है, 1942 में क्या हुआ, एच के माधवन नामक रेंजर ने इसको खोजा था, किसे खोजा था, रूपकुंड झील को, ठीक है। अब आप लोग देख पाएंगे यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2015 का, कि कौन सा रेंजर था, है ना, जिसने 1942 में एच के माधवन नामक रेंजर ने कौन सी झील को खोजा, आपको याद रखना है रूपकुंड झील को खोजा, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चपनाला झील, ठीक है, चपनाला झील आपको पता ही होगा कहाँ पर है, असम में स्थित है, ये भी कहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है चपनाला झील। असम की एक झील और है, कौन सी, दीपोर बिल झील, है ना, दीपोर बिल, और ये भी क्या है, ये भी रामसर साइट का हिस्सा है ना, दीपोर बिल जो है ये भी क्या है, रामसर साइट का हिस्सा है। आपको असम के बारे में एक बात और बता होगी, असम के गुवाहाटी के पास ही कौन सा एक मंदिर अवस्थित है, कामाख्या मंदिर, है ना, कामाख्या मंदिर, और यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, अंबुवाची मेले का आयोजन होता है ना, कौन सा मेला, अंबुवाची मेला, राइट, अंबुवाची मेले का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए कहां पर होता है, आपको याद रखना है असम में होता है, कहां, गुवाहाटी के पास, ठीक है, कौन से मंदिर पे, कामाख्या देवी मंदिर, राइट, याद रखेंगे। दीपोर बिल क्या है, एक झील है जो कि कहां पर अवस्थित है, असम में अवस्थित है, ठीक है, और ये क्या है, रामसर साइट का हिस्सा है। बात क्लियर हो गई। तो असम से रिलेटेड दो झीलें आप याद रखेंगे, एक हो गई चपनाला झील, एक हो गई दीपोर बिल झील। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे अंचार झील, मैंने आपको बता ही दिया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है, कौन सी झील, अंचार झील, ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। एक पॉइंट और बनता है तरसर झील और मरसर झील, जिन्हें सिस्टर लेक्स के नाम से जानते हैं, राइट, तरसर झील और मरसर झील जो है ये भी कहां पर अवस्थित हैं, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित हैं तरसर झील और मरसर झील, ठीक है, ये क्या है, इनको सिस्टर लेक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी वह झीलें हैं जिन्हें सिस्टर लेक के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की है तरसर झील और मरसर झील। बात क्लियर हो गई, ठीक है। लद्दाख की कुछ झीलें हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, कौन सी, पेगोंग त्सो, आपको पता होगा त्सो, त्सो कहते हैं ना, त्सो का मतलब क्या है, त्सो का मीनिंग ही है झील, ठीक है, किस भाषा में बोला जाता है त्सो, तो आपको याद रखना है तिब्बती भाषा, तिब्बती भाषा में त्सो, त्सो का, त्सो कहते हैं झील को, ठीक है, तिब्बती भाषा में झील को त्सो कहा जाता है, राइट, तो ये याद रखना है आपको। तो अगर आपसे लद्दाख का पूछा जाए कि लद्दाख की कौन कौन सी झीलों हैं, तो आपको याद रखना है पेगोंग त्सो, त्सो का मतलब झील, ठीक है, पेगोंग झील या मोरीरी झील, ठीक है, त्सो मोरीरी या पेगोंग त्सो या त्सो मोरीरी, ये दोनों कहाँ की हैं, लद्दाख की हैं, और इनको रामसर साइट का भी दर्जा प्रदान किया गया है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारी मेघालय की, मेघालय की कौन सी एक झील है इंपॉर्टेंट है, दाची झील, ठीक है, दाची झील कहाँ पर है, मेघालय में है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एक पॉइंट और पता होगा कि मेघालय में ही क्या है भाई, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है, मेघालय को क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मेघालय को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए गुजरात की कुछ झीलों के बारे में। गुजरात की मैंने आपको बताई उकई झील के बारे में बताया है ना, गुजरात की उकई झील के बारे में भी बताया मैंने आपको, और क्या बताया, उकई झील हो गई, एक और है थोल झील और नल सरोवर झील, है ना,
नल सरोवर और थोल झील को भी रामसर साइट का हिस्सा बना लिया गया है। ठीक है, थोल झील और नल सरोवर झील इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट जो अलग से यहाँ मेंशन किए हैं मैंने, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। राइट, तो अगर आपसे कहा जाए थोल झील कहाँ पर अवस्थित है, आप याद रखेंगे गुजरात में अवस्थित है और ये रामसर साइट का भी हिस्सा है। राइट, नेक्स्ट है नल सरोवर झील, याद रखेंगे कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है मैम, बिहार का झील अभी बताती हूँ। ठीक है, तो नल सरोवर जो है ये भी क्या है, रामसर साइट का हिस्सा है और ये भी कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। राइट, कवई झील है गुजरात बिहार की आलोक। ठीक है, एक है क्या कहते हैं मोकामा झील और एक है कवई झील या कावई झील भी कहते हैं, जिसको कबाई भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो बिहार की है, अभी बताऊंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, राजस्थान की झील है सांभर झील, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या है, अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड झील है, ये भी बता चुकी हूँ कैसी है, इनलैंड है। ठीक है, बता ही चुकी, अब क्या ही लिखना बार बार। ठीक है, राजस्थान ये भी क्या है, सांभर झील, ये भी क्या है, रामसर साइट का हिस्सा है। बात क्लियर हो गई, रामसर साइट मैंने आपको बताया, रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, हुआ कब था, 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ था। उससे क्या हुआ, किया क्यों गया था, कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी और क्या है, बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, चोलामू झील या तसोलामू झील, आपको पता होगा सिक्किम में है। ठीक है, चोलामू झील या तसोलामू झील जो है वो सिक्किम में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तसोलामू झील या चोलामू झील। ठीक है, इससे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पहला ही क्वेश्चन ये बनना चाहिए क्या, कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंची झील भी कह सकते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऊंची झील कह सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, चोलामू झील या फिर तसोलामू, इसे दोनों नाम से जानते हैं, चोलामू या तसोलामू। ठीक है, तसो, तसो का मतलब यहाँ तसो, तसो का मतलब था, तसो ऐसे नहीं लिखना था, इस तरह से लिखना था, तसोलामू झील, तसो का मतलब झील। ठीक है, तसोलामू क्या है, ये भारत की सर्वाधिक ऊंची झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी झील, चोलामू झील। ठीक है, स्टार बना के नोट डाउन कर लेंगे इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील है। कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है। अगर मैं बात करूं कि सिक्किम जो है कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपको पता है 3 राज्यों से इसकी सीमा तो लगती है, एक तो हो गया चीन, एक हो गया नेपाल और एक हो गया भूटान। राइट, नेपाल भूटान, सिक्किम की सीमा 3 राज्यों से लग रही है, चाइना नेपाल और भूटान, राज्यों नहीं कहेंगे 3 देशों से कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सगेत्सर झील, सगेत्सर झील ये कहाँ पर अवस्थित है, सगेत्सर, अब हम यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर की झीलों की बात कर रहे हैं। राइट, पूर्वोत्तर की झीलों की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दिलेंगे आप, पूर्वोत्तर की कौन सी बता दी, सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई, चोलामू झील या तसोलामू झील हो गई। सेकंड आता है सगेत्सर झील, सगेत्सर झील कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला, तवांग जिला, है ना, तवांग आप लोग जानते होंगे बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है ना, यहाँ पर बड़ा शांति रहती है। ठीक है, 1972 में क्या हुआ था, इसे यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था और 1987 में ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसे क्या बना दिया गया, 1972 में इसे बनाया गया क्या, यूटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो आपको याद रखना है पूर्ण राज्य बनाया गया नागालैंड को, सॉरी अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य
कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया, ठीक है। 1987 में पूर्ण राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। यूटी कब बन गया था? 1972 में ही यूटी बन गया था, उसके बाद 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है, सॉरी राज्य पशु है, राज्य पशु अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ग्याल, ठीक है। ग्याल जिसे मिथुन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है, ठीक है। क्या? ग्याल या मिथुन, ठीक है, उसी को ग्याल कहते हैं, उसी को मिथुन के नाम से भी जाना जाता है। ग्याल या मिथुन क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है, राइट। और एक पॉइंट और याद रखना है आपको, ये जो ग्याल है जो कि अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पशु है, वही नागालैंड का भी राज्य पशु है, ठीक है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों का क्या है? राज्य पशु एक ही है, ग्याल या मिथुन, ठीक है। नेक्स्ट आती है शिलोई झील, ठीक है। शिलोई झील, शिलोई झील के बारे में देख लो, कहां पर अवस्थित है? नागालैंड में अवस्थित है। पूर्ण राज्य का दर्जा नागालैंड को कब मिला? आपको याद रखना है 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। बारिश हो रही है, अच्छा जी, चलिए नहा लीजिए फिर, बारिश में बीमार पड़ जाएंगे, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए शिलोई झील कहाँ पर अवस्थित है, आप बताएंगे नागालैंड में अवस्थित है या नागालैंड में अवस्थित है शिलोई झील, ठीक है। कब ही हुआ था, कब इसका, कब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? आपको याद रखना है 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। 1963 में इसे क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इसी वजह से क्या है, 1 दिसंबर को ही क्या होता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है नागालैंड का। और उसी स्थापना दिवस के दिन ही एक महोत्सव का आयोजन होता है, कौन सा महोत्सव? हॉर्नबिल महोत्सव, राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर है, कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस के दिन। कौन सा दिन है? 1 दिसंबर का दिन, ठीक है। और राज्य पशु मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ग्याल या फिर मिथुन, ठीक है। ग्याल या मिथुन क्या है? इसका राज्य पशु है, ठीक है। आगे बढ़ जाए यहां से, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के जरा रामसर साइट्स के बारे में भी देख लो। हिमाचल प्रदेश की जो पोंग डैम झील है ना, पोंग डैम झील, पोंग डैम झील कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चंद्रताल झील और रेणुका झील, ये सभी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ये सभी क्या है? रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अगर रामसर साइट आपसे पूछे जाए कौन कौन सी है, आपको याद रखना है पोंग डैम झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील, ठीक है। सभी क्या है? हिमाचल प्रदेश में है और सभी क्या है? रामसर साइट्स का हिस्सा है, राइट। बिहार की देख लीजिए, अभी कौन पूछ रहा था, अतुल या आलोक में से कोई एक मुझसे पूछ रहा था ना कि बिहार की कौन सी, मैंने आपको बताया था कंवर झील। कंवर झील जो है वो इसे भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। बिहार की कंवर झील जो है उसे भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पर एक झील और है, मोकामा झील, है ना। अगर आप लोग जानते होंगे भाई, भोजपुरी मूवीज अगर आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी का नाम मोकामा, है ना, वही उसी से आप लोग याद रखेंगे कि मोकामा झील जो है कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। यूपी की बात कर ली जाए, यूपी की कीठम झील है एक, इसे क्या है? रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। कीठम झील, इसका नाम याद रखना है भाई, रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, इसलिए क्या है, इनका नाम याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब की अगर आपसे पूछी जाए कि पंजाब की रामसर साइट में शामिल कौन कौन सी झीलें हैं, आपको याद रखना है कंजली झील, रोपण झील और हरिकै झील, ठीक है। कंजली झील, रोपण झील और हरिकै झील, ये कहाँ की है? पंजाब की है। कंजली झील, रोपण झील और हरिकै झील कहाँ की है? पंजाब की है, राइट। कंजली, रोपण और हरिकै, इन तीनों झीलों को क्या है? रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। कंजली, रोपण और हरिकै, जितनी बार मैं यहाँ पर बोलती हूँ कोशिश किया कीजिए आप भी बार बार उसको रिवीजन करने की, है ना। जितनी बार आप बोल लेंगे ना, आपको याद करने में उतनी ही ज्यादा आसानी हो जाती है, राइट।
क्या हो गई, ये तीनों झीलें हैं पंजाब की, इनको क्या है रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए असम की है कौन सी, मैंने आपको बता ही दिया था दीपोर बिल, है ना, दीपोर बिल झील है, इसे भी क्या है रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। असम की एक झील और है चंदूबी झील, एक और मैंने आपको बताई थी कौन सी, चपनाला झील, है ना, चपनाला झील, राइट, चपनाला झील, ये भी क्या है, ये भी कहां पर है, ये भी है असम में ही चपनाला झील, ठीक है। दीपोर बिल जो है राजस्थान, अच्छा चपनाला असम का ही बताया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चपनाला झील जो है, चपनाला कहां पर है भाई, असम, ठीक है। दीपोर बिल जो है असम की, इसे क्या प्राप्त है, इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चंदूबी झील अगर आपसे पूछी जाए, ये भी कहां की झील है, असम की ही झील है, और यहीं पर क्या है कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपसे रामसर साइट्स पूछ ली जाएंगी तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी झीलें हैं जिन्हें रामसर साइट्स का भी दर्जा प्राप्त है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। मैंने आपको एनएलसीपी के बारे में पहले ही बता दिया था, है ना, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी थी कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना जो है कब लाई गई, 2001 में लाई गई, किसके द्वारा, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कौन सा मंत्रालय था, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई, ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना एनएलसीपी, राइट, एनएलसीपी का लिख लीजिए जरा, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था एनएलसीपी, ठीक है। कब लाया गया, जून 2001 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया, और क्या हुआ, 14 राज्यों की कुल 58 झीलों को संरक्षण देने हेतु स्वीकृति कब मिल गई थी, 2009 में स्वीकृति मिल गई थी। ये सारे पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए थे, राइट। और हाल ही में इस सूची में ऊटी, ऊटी कहाँ है भाई, आपको पता है तमिलनाडु, है ना, ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। हाल ही में इस सूची में ऊटी और भीमताल को, ताल कहाँ बताया था, उत्तराखंड, है ना, ताल अगर कहीं पर भी आ जाए आपको याद रखना है उत्तराखंड, ठीक है, भीम ताल को शामिल कर लिया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2010 में, कब शामिल किया गया था, हाल ही में शामिल कर लिया गया है, 2010 में ही शामिल किया गया था, ठीक है। ऊटी और भीम ताल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई। क्यों किया जाता है, सेमी सॉरी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में क्या होता है, आर्द्र भूमियों के, सॉरी झीलों के संरक्षण के लिए, ठीक है, झीलों के संरक्षण के लिए। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब क्या है, सारी झीलों को मैंने एक ही जगह पर कंपाइल कर दिया है ताकि आपको, अगर आप जैसे क्या है कि क्विक रिवीजन करना हो तो आप लोग क्विकली रिवीजन कर सको, राइट, देख लेंगे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। लुनकरनसर, ठीक है, लुनकरनसर झील कहाँ है, राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, याद रखना है आपको, पिछौला झील राजस्थान, ठीक है, ये सभी क्या हो गई, राजस्थान की झीलें हो गई। कौन कौन सी जरा ध्यान देंगे जरा, लुनकरनसर झील, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, राजसमंद, नक्की और पिछौला, ये सभी कहाँ की हो गई, राजस्थान की झीलें हो गई, राइट। अब देख लेते उत्तराखंड की, सात ताल, भीमताल, नैनीताल, वो सब बता ही चुकी हूं मैं, ठीक है, सुरताल, वो सारे क्या हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की मानसबल झील, दल झील, नागिन झील, है ना, और अनंतनाग झील, बेरी नाग झील, अंचार झील, ये सभी क्या कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की। वेम्बनाद झील, अष्टमुडी, अष्टमुडी, पेरियार झील, चिल्का झील, ये सभी कहाँ की है, केरल की है,
चिल्का झील आपको पता है ओडिशा की है, लोकतक झील कहाँ की है, मणिपुर की है, राइट। एक बार बस ऐसे देख लीजिए, फिर मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। रूपकुंड बता दिया उत्तराखंड का है, नैनीताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड, माला ताल उत्तराखंड, देव ताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग स्टार बना लेंगे, ठीक है। नौकुचिया ताल कहाँ पर अवस्थित है आपको याद रखना है, ताल से तो आप याद ही रख पाएंगे, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड। हरियाणा की देख लीजिए, बड़खल झील हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है ना, सूरज कुंड मेले का आयोजन भी होता है, ठीक है। सूरज कुंड मेला आयोजित होता है, यहां से क्वेश्चन करंट का बनता है, राइट। चपनाला असम का बता दिया, चंदूबी असम, हाफलांग झील असम, और एक और कौन सी, दीपोर बिल झील भी बता दी मैंने, कहाँ की है दीपोर बिल, ये भी कहाँ की है, असम की है। बात क्लियर हो गई। फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, खुरपा ताल उत्तराखंड की है, कोलूरू आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, वुलर झील, बैरी नाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की है, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, चेंबर मवलक्कम मवक्कम है ना, ये कहाँ के, तमिलनाडु, डल झील जम्मू कश्मीर, काली वेली झील तमिलनाडु, रेणुका बता दिया मैंने, घेपन झील, घेपन के बारे में भी यूपी पीसीएस पूछ चुका है, ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए आप। ये पीसीएस का, पीसीएस के क्वेश्चन, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, घेपन झील कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, घेपन झील हिमाचल प्रदेश, ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ये रामसर साइट का हिस्सा है, राइट। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, इनलैंड झील मैंने कौन सी बताई थी आपको, सांभर झील है, कहाँ की है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, अंतःस्थलीय यानी कि इनलैंड, उसका जो जल है वो किसी भी सागर या किसी भी नदी में जाकर नहीं मिलता है, ठीक है, क्या है, खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आईएएस एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया था किसका झील, किसका उदाहरण थी, विवर्तनिका झील का है ना, विवर्तनिका झील का उदाहरण थी, ठीक है, ये सब तो पॉइंट मैं पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, पहले ही बता दिया था, झेलम नदी पर अवस्थित है तुलबुल परियोजना, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कृत्रिम झील मैंने आपको बताया गोविंद वल्लभ पंत सागर, कौन सी नदी पर, सोन की सहायक रिहंद नदी है ना, किसकी सहायक, सोन की सहायक, सोन नदी की सहायक है, सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है, कहां पर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां पर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सी झील है जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है, मैंने आपको बता दिया चोलामू झील है, कहां पर, सिक्किम, ठीक है, चोलामू झील सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोडाई कनाल किस प्रकार की झील है, कोडाई कनाल कृत्रिम झीलों में आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, मैंने कोडाई कनाल को मेंशन किया था, ठीक है, कोडाई कनाल झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कैसी झील है आपको याद रखना है, कृत्रिम झील का उदाहरण है, कोडाई कनाल झील कृत्रिम झील का उदाहरण है, अवस्थिति कहाँ है, तमिलनाडु। बात क्लियर हो गई। अब जरा सारी झीलें मैंने आपको बता दी, अब जरा आप लोग क्या करेंगे, मैप में इसको देख लेंगे, ठीक है, मैप जरा देख लीजिए, अब एक बार मैप देख लीजिए, बस यहीं से सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया सबसे ऊंची झील कौन सी है, कौन सी है, चोलामू झील, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, राइट। लोनार झील कहाँ की है, महाराष्ट्र, लोनार झील कहाँ, महाराष्ट्र, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलिए, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र, कैसी झील का उदाहरण मैंने आपको बताया, क्रेटर झील का उदाहरण है, राइट, क्रेटर झील यानी कि जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है वो कौन सी झील है, लोनार झील है, कहाँ की, महाराष्ट्र, क्रेटर झील का उदाहरण है यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित झील की का उदाहरण है लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक है। तेलंगाना की झील मैंने कौन सी बताई आपको, कोलेरू झील और पुलिकट झील, ठीक है,
कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये है ठीक है, ये कोलेरू झील है, यहाँ पर क्या है पुलिकट झील अवस्थित है, राइट, ये तेलंगाना हो गया ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे केरल की अगर बात करें, ये है आपका केरल, सभी लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पर कौन सी झील है अष्टमुडी झील है, वेम्बनाद झील और सस्थमकोट्टा झील, ठीक है। सस्थमकोट्टा झील के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं नोट डाउन कर देती हूँ कौन सी झील, सस्थमकोट्टा झील, बात क्लियर हो गई, सस्थमकोट्टा झील कहाँ पर केरल, ठीक है, सस्थमकोट्टा झील कहाँ पर अवस्थित है केरल में अवस्थित है, वेम्बनाद झील, अष्टमुडी झील, सस्थमकोट्टा झील, ये सभी कहाँ की है केरल की झीलें हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओडिशा की झील मैंने आपको बता दी थी कौन सी थी, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील ओडिशा, भारत की लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण है, राइट, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या फिर कह दीजिए अनूप झील, ठीक है, लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण कौन सी झील है आपको याद रखना है, चिल्का झील है, कहाँ की है ओडिशा की है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कौन सा, भोजताल, ठीक है, भोजताल, भोजताल कहाँ का है मध्य प्रदेश, ठीक है, भोजताल मध्य प्रदेश। अब देखिए रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील कहाँ पर है भाई, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में कौन सी झील, ये आपका कौन सा एरिया है, त्रिपुरा का एरिया है, राइट, त्रिपुरा में कौन सी है, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील कहाँ है त्रिपुरा में अवस्थित है। लोकटक झील मैंने आपको बताया मणिपुर की है, मणिपुर की है लोकटक झील, और पूर्वोत्तर की पूर्वोत्तर की क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, बात क्लियर हो गई। और यहीं पर मैंने आपको बताया कौन सा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ या किबुल लामजाओ भी कहते हैं उसी को, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर फुमडी, फुमडी नामक क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, अच्छा जी चलिए, असम में मैंने क्या बताया दीपोर बिल, ठीक है, और कौन सी उमियन झील, उमियन झील, उमियन झील, और उमियन झील कहाँ की है, ये है छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए ठीक है, उमियन को मत याद रखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है तो इसको ध्यान भी रखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, आपको असम का याद रखना है, दीपोर बिल, चपनाला झील है ना, ये सब क्या है असम की है, ठीक। और क्या बताया मैंने, यहाँ पर बिहार की मैंने बता दी कंवरताल है ना, कंवरताल जो क्या है बिहार की है, कंवरताल या कांवरताल जो भी कहना चाहे, इसे भी क्या है रामसर साइट का हिस्सा माना गया है, ठीक। लद्दाख की बात कर ली जाए, मैंने आपको बताया पेगोंग त्सो है ना, या त्सो मोरिरी, ये सभी कहाँ की है, त्सो मोरिरी, त्सो कर लेक, ये सभी कहाँ की है लद्दाख की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश, ये क्या है हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का मैंने क्या क्या बताया, महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, चंद्रताल और पोंग डैम झील, पोंग डैम झील से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पोंग डैम झील भी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, नैनीताल, देवताल, राकसताल, ठीक है, कीथम झील, कीथम झील के बारे में भी कई बार पूछा गया, कीथम झील वैसे, ठीक है, कीथम झील हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए नल सरोवर झील, सरसई नवर झील, सरसई नवर झील, तो भी आप याद रखेंगे सरसई नवर झील, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सरसई नवर या सरसई नावर भी कहते हैं इसको, ठीक है, सरसई नवर या सरसई नावर भी कहते हैं, ठीक है, कीथम झील, सरसई नावर, ये सब कहाँ है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हो गया, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ राजस्थान की देख लीजिए जरा, राजस्थान में मैंने आपको बताया कौन सी झील, राजस्थान में मैंने कहा भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, आपको बताया सांभर झील, सांभर झील किसका उदाहरण है, अंतःस्थलीय झील यानी कि इनलैंड झील का उदाहरण है। राजसमंद और लूनकसर झील जो है ये सब कहाँ है, राजस्थान में ही है। पिछौला झील और नल सरोवर जो राष्ट्रीय जो झील थी, नल सरोवर और एक और बताई थी मैंने कौन
ठीक है, नल सरोवर आपको याद रखना है क्या, गुजरात। ठीक है, नल सरोवर गुजरात, बात क्लियर हो गई। जम्मू कश्मीर और देख लीजिए, बस उसके बाद एंड करते हैं। जम्मू कश्मीर बता दिया मैंने, डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, और जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बात क्लियर हो गई। पंजाब की और देख लीजिए, कंजली झील बताई मैंने, हरिके झील बताई है ना, ब्रह्म सरोवर झील, ये सब कहाँ की है, पंजाब की है, राइट। ये सारी क्या है, झीलों की अवस्थिति है। आप लोग इंडिया का मैप जानते होंगे बखूबी, राइट। तो क्या है, आपको झीलों की अवस्थिति के बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, ठीक है। ये मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्लास सेशन पसंद आया होगा, राइट। तो यहीं से करते हैं सेशन को एंड, ठीक है, यहीं से करते हैं सेशन को एंड। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सेशन को कीजिए शेयर, राइट। और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आती रहूंगी। ये टॉपिक मैंने इंडिकेट, ये सारे टॉपिक मैं लेकर क्यों आ रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास पेपर एग्जाम आ रहा है, कौन सा, यूपी पीसीएस का, आरओ एआरओ का, जो कि अभी फरवरी में ही होने वाला है, राइट। 11 फरवरी की आरओ एआरओ की डेट है। आप लोग देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, राइट। इसलिए क्या है, मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ जहाँ से क्या है आपको आरओ एआरओ आने वाले एग्जाम और क्या है पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, बस उन पॉइंट्स पर वो हॉट टॉपिक लेकर आऊंगी जहां से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आपको क्लास सेशन पसंद आए तो दिल खुलकर लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे साथ डेली 11 बजे जुड़ना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, राइट। मैं आ जाती हूँ तो आप लोग भी डेली हाजिर हो जाए कीजिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं।